हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फिलिप्स सेल्फी स्ट्रेटनर का रिव्यू। सो ये मैंने थोड़े टाइम पहले मिंत्रा से लिया था एंड आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये स्ट्रेटनर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैंने लिया था आई थिंक 1100 रुपीज़ में, बट इसका ओरिजिनल प्राइस है 1250 रुपीज़ और ये अभी भी सेल पे है 950 या 1000 रुपीज़ में मिल रहा है। और अगर कोई भी लेना चाहता है, स्ट्रेटनर लेने का सोच रहे हैं, तो वो इस स्ट्रेटनर को बिल्कुल ले सकते हैं। बट मैं डिस्क्लेमर डाल दूँ कि जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि उनके हेयर स्ट्रेट होंगे नहीं होंगे, मेरे को नहीं पता। सो मैं इसका आज आपको लाइव मतलब डेमो दिखाऊंगी कि कैसे करना है और कैसे मेरे हेयर स्ट्रेट होते हैं। सो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है, मुझे इसकी पैकेजिंग सही नहीं लगी क्योंकि यू कैन सी बहुत ही छोटा है स्पेस यार, बहुत ज़्यादा छोटा है और उसमें इतना बड़ा स्ट्रेटनर डालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं अपने हर एक स्ट्रेटनर या मेरे जो भी है एक्सेसरीज जो भी चीज़ें होती है उसको उनके बॉक्स में ही रखती हूँ, ऐसे ऐसे उठा के नहीं रखती क्योंकि फिर ऑब्वियसली बात है वायर ख़राब हो जाती है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। बट मुझे इस बॉक्स में रखने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यू कैन सी जब ऐसे घुसाते रहो आधी वायर बाहर निकल रही है। सो पैकेजिंग तो बहुत ही मेरे को बेकार लगी, थोड़ा सा और बॉक्स बड़ा कर देते तो कुछ नहीं होता उनका। सो इस टाइप की पैकेजिंग है एंड फिलिप्स सेल्फी एसेंशियल है ये। इसमें आपको 2 से 3 मॉडल मिल जाएंगे, लाइक इससे और भी अच्छे मॉडल थे, उनका प्राइस इससे महंगा था। तो मैंने ये जो मॉडल लिया है मैं इसका लिंक दे दूंगी। इसमें स्ट्रेट ने 110 सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया हुआ है, जेंटल ऑन योर हेयर, सेरेमिक कोटिंग हो रखी है, जो पिंक पार्ट आप देख रहे हो ये सेरेमिक कोटिंग की होती है। उसके बाद फास्ट 60 सेकेंड्स इन्होंने बोल रखा है कि 60 सेकेंड्स में हीट अप हो जाता है। सो क्वालिटी वाइज मतलब 10 out of 10 दूंगी मैं। एंड यहाँ पे है दिया हुआ, तो मैं भी इसको प्लग में लगाती हूँ और फिर मैं आपको डेमो दूंगी। ओके सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है ये पावर ऑन करने का। सो ये ऑन हो चुका है एंड ये धीरे धीरे सेकेंड्स में हीट अप हो जाए। सो सबसे पहले मैं अपने ऊपर के जो पोर्शन है उसको बांध लूँगी एंड मैंने इससे पहले अपने नोवा के स्ट्रेटनर, 2 नोवा स्ट्रेटनर्स के मैंने रिव्यू किए हैं। सो अगर आप 400-200 का कोई स्ट्रेटनर लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, लास्ट में मैं उस वीडियो को इंसर्ट कर दूंगी। और ये हीटअप हो चुका है। और मैंने अपने हेयर्स में लिवॉन सीरम पहले से लगा रखा है और मैं कोई भी सीरम नहीं लगाती, ना कोई एलोवेरा जेल लगाती हूँ। आप लगा सकते हो एलोवेरा जेल। सो ये रे हेयर स्ट्रेट किए हुए आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ये। देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की लग रहे हैं एंड स्मूथ लग रहे हैं एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सारे हेयर्स बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो गए। सो हेयर स्ट्रेट हो गए हैं एंड यू कैन सी कितने ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ लग रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने हेयर में, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटनर किया है, ना कोई अलग से सीरम लगाया है अभी, ना कुछ भी नहीं लगाया है। तो जिनके हेयर्स मेरे जैसे हैं लाइक कर्ली नहीं है एंड थोड़े से वेवी हैं उनके लिए ये स्ट्रेटनर तो मैं बोलूँगी बिल्कुल थम्स अप है। सो मैंने आपको बिल्कुल लाइव रिव्यू दिखाया है, आपके सामने रिजल्ट्स बिल्कुल लाइव है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रही होगी. सो अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय.